क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटी। नमस्कार दोस्तों, यह सॉफ्ट डॉग चैनल आपका अपना चैनल। तो हमारे पेट्स वर्ल्ड में आज सिम्बा हमारा दोस्त आया हुआ है हमसे मिलने। बेसिकली सिम्बा 6 महीने का बिल्ला है, ब्लू वाइस पर्शियन कैट है और बहुत ही प्यारा है। गर्मियों के दिन में, क्योंकि ये लॉन्ग कोट है, ट्रिपल कोट का बिल्ला है, तो अभी गर्मियों के कारण ये थोड़ा सा लेजी हो गया है। इनका जो प्रेफरेबल वेदर होता है वो या तो बारिश होती है या फिर मोस्टली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठंड वाले महीने। बेसिकली करना ये चाहिए कि मार्च आते आते होली के बाद इनके हेयर कट करवा देने चाहिए, थोड़े बहुत हेयर रखने चाहिए, और मई जून में आते आते इनके बाल वैसे ही पूरे आ जाते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल लेजी सा, सुस्त मुस्त हो गया है क्योंकि लग रही है इसको गर्मी। एसी में ये बहुत मस्त रहता है, बहुत आराम से रहता होगा। बेसिकली पर्शियन कैट्स दूध नहीं पीते। जो लोग कहते हैं कि हाँ बिल्ली है तो दूध पिलाना चाहिए, तो बंगाल किटन, पर्शियन किटन या फिर मैनाकून, कैनामून, जो भी इम्पोर्टेड ब्रीड्स होते हैं, इनको दूध नहीं दिया जाता या ये दूध पीते ही नहीं। तो अभी इनको विस्कास का ही डॉग फूड, सॉरी कैट फूड, और विस्कास ब्रांड के ग्रेवी आते हैं, चिकन ग्रेवी। अच्छा जाओ इधर, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए अभी ये अपने घूमने की मुद्रा में आ गए। तो बेसिकली इनको करना क्या चाहिए कि इनके अलग से इक्विपमेंट्स आते हैं, इनकी इनके ब्रश आते हैं, इनके कंघियां आती हैं, कॉम्स होते हैं। अगर आपको डेली मौका नहीं भी मिल रहा है, गुच्छे बनने लग जाते हैं, तो उसके लिए हो सके तो प्रतिदिन कॉम्बिंग करें ताकि बाल आपस में उलझे नहीं। प्रतिदिन कॉम्बिंग करने से दो चीजें होती हैं, एक तो बाल आपस में नहीं उलझते, दूसरा जो वेस्ट हेयर है जो गिरते रहते हैं, जो हमारे कपड़े पे, आपके कपड़े पे, बेड पे, सोफे पे, खाने में जा रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं, वो दिन में सुबह अगर आपने 10 बजे कर दिया तो जितने दिन भर गिरने वाले बाल हैं वो कंघी में एक साथ आ जाते हैं। तो दिन भर थोड़े थोड़े करके नहीं गिरते, एक बार में निकल आते, वो वेस्ट हेयर होते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो भैया उठाइएगा, तो मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो। डॉग है तो अलग डोजेज है, कैट्स है तो अलग डोजेज है। अगर किटन है, छोटी बिल्लियां हैं, तो 1 से 1.5 ml सुबह शाम सॉफ्ट कोट, Omega-3, Omega-6 और Omega-9, 10:1:2 के रेशियो में जो फॉर्मूला है, बहुत अच्छा, मछली के तेल से बना होता है, सैल्मन ऑयल होता है बेसिकली इसके अंदर। सैल्मन एक मछली होती है जिसकी आंखों के तेल से ये सिरप बनता है, वो बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और कभी भी इनको खाने में कोई भी नमकीन चीज या मीठी चीज नहीं देनी चाहिए, जो भी दें सादा दें। अगर आप इनको चिकन दे रहे हैं प्लेन दीजिए, अगर फिश दे रहे हैं वो भी प्लेन दीजिए, मीट दे रहे हैं प्लेन दीजिए, उसमें थोड़ा सा भी नमक या फिर चीनी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है, अक्सर घरों में छोटे बच्चे होते हैं, हम लॉलीपॉप खा रहे हैं तुम भी खाओ, हम डेयरी मिल्क खा रहे हैं तुम भी खा लो, मेरा बर्थडे है तो केक बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना छोटा सा केक 1 हफ्ते 10 दिन बाद इनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने का कारण बन जाते हैं। कई बार तुरंत कोई चीज नुकसान नहीं करती, 10 दिन 15 दिन के बाद नुकसान देती है। और इनको बहुत जल्दी जल्दी नहलाना नहीं चाहिए, महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 बार या बहुत ज्यादा हुआ तो 4 से 5 बार, यानी हफ्ते में 1 बार इनका नहलाना बहुत हो जाता है। इनके लिए अलग से शैम्पूज आते हैं, आप किसी भी ह्यूमन शैम्पू से मत नहला दीजिए, क्लिनिक प्लस, डव या हेड एंड शोल्डर से, क्योंकि कैट के बॉडी का पीएच अलग है, हमारी आपकी स्किन का पीएच अलग है। तो इनके हर एक प्रोडक्ट्स अलग होते हैं जो कि बहुत महंगे नहीं है। इनका शैम्पू आपको आराम से 100-150-200 रुपए में मिल जाएगा, जो कि साल भर तक चलता है। इनका हेयर स्प्रे, बदमाशी कर रहा है सिम्बा, एक बार सिम्बा पे फोकस कीजिएगा। तो सिम्बा अभी पूरी मस्ती कर रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, और देखिए ऊपर से कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और इसकी दुम कितनी प्यारी लग रही है, और अभी ये प्यार से जाके आराम से बैठ गया, या यूं कहें कि पसर गया। तो वैसे पर्शियन कैट्स बहुत मस्तीखोर होते हैं, बट मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने इनके लिए अनुकूल नहीं होते, तो ये थोड़े से लेजी, थोड़े से सुस्त, थोड़ा सा खाया फिर सो गया, फिर उठे 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा खाए, तो ऐसा ये करते रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा खाने में दिक्कत है तो एपेटाइजर कोई भी सिरप आता है, आप 10-15 दिन पिला दीजिए तो इनकी भूख खुल जाती है, तब ये खुलकर खाने लगते हैं। और इसके अलावा हमारे पास हर प्रकार की किटन्स मिल जाती हैं, बिल्ली के बच्चे मिल जाते हैं, पर्शियन किटन सबसे महंगी बिल्लियां मानी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है ईगल आइज, यानी कि खैरी आंखों वाली बिल्लियां, ब्लैक आइज वाली बिल्ली काफी सस्ती होती है,
वो आपको 10-12 हज़ार रुपये मिल जाती है। ब्लू आइस की बिल्ली आपको 18, 20, 22, 25 क्वालिटी के हिसाब से मिलती है। इनमें क्वालिटी कैसे चेक होती है, इनमें फेस के ऊपर क्वालिटी होता है, बालों के ऊपर क्वालिटी होता है, जैसे सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। तो ये जो सिम्बा आप देख रहे हैं ये ट्रिपल कोट की बिल्ली है, बिल्ला है बेसिकली। बहुत लंबे बाल हैं, इतने लंबे लंबे बाल हैं। फेस इनका सेमी पंच फेस, डॉल फेस, नॉर्मल फेस, ऐसे अलग अलग शेप के फेसेस आते हैं। डॉल फेस बिल्कुल गुड़िया की तरह फेस होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटोग्राफ्स के माध्यम से। जैसे इस पिक्चर में जो आप बिल्ली देख रहे हैं ये प्रॉपर डॉल फेस की बिल्ली है, एकदम गुड़िया की तरह लग रही है। पंच फेस यानी कि वोडाफोन पग में जो बिल्ली, ये इस पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये पंच फेस की कैट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, आपको हमारे चैनल पे कैट के ऑप्शन में या कैट वाले ब्लॉग में जा करके आप ऑप्शंस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर दिन हर सुबह 9 बजे एक वीडियो हमारी ओर से अपलोड की जाती है हमारे चैनल पे, कभी डॉग्स पे, कभी कैट्स पे, कभी बर्ड्स पे, हर एक परिंदे पे, चाहे हर एक पालतू पशुओं पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं और हर दिन आपको अलग अलग जानकारी देते रहते हैं। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।